हजारों की तादाद में लाइनें बना के खड़े ये लोग, आपको क्या लग रहा है कि डीमोनेटाइजेशन में क्या आपने नोट चेंज कराने हैं? नहीं 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 नहीं, या फिर ये किसी मंदिर के बाहर की भीड़ है? नहीं 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 नहीं, या फिर यूपीएससी का रिजल्ट आ गया? नहीं, वो भी नहीं। ये लोग तो लॉकडाउन खुला ना तो दारू खरीदने आए हैं। हाय गाइस, बस आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। मेरा नाम है ऋतिक कक्कड़, अगर आप मुझे जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्मैश द सब्सक्राइब बटन, आप मुझे जान जाओगे। तो आज की वीडियो हमारी कोई लाइफस्टाइल ब्लॉग नहीं होने वाली। आज मैं बात करूंगा यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, जो एक फाइट चल रही है काफी यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के बीच में कि विच प्लेटफॉर्म इज बेटर और किस प्लेटफॉर्म के क्रिएटर्स किस लेवल का कंटेंट बनाते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो से कोई हेट नहीं फैला रहा। और ये मुद्दा शुरू हुआ था, एक यूट्यूबर ने कुछ टिकटॉकर्स को रोस्ट कर दिया और उसके बाद उनका एक मसीहा उठ के आया और वो चूतिया प्राणी है ये, आप देखो। यार मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 2-3 घंटों से मैं वो सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा हूँ जो हमारी कम्युनिटी वाले लोग के बारे में बात कर रहे, जो कि है टिकटॉक कम्युनिटी। तो गाइस मैं अब भी आया हूँ अपने टिरेक्टर को पार्क करके अपने पिलॉट पे, के बोले ट्रैक्टर तो भी ना मेरा होगा, ट्रैक्टर में गेयर कितने हुए? और तब बात करे ट्रैक्टर ने पार्क करने की, और सुन मेरी बात, हरियाणा वाला की नकल तारनी तो छोड़ दे, क्योंकि तेरे बस की ना है कि मैं भी, और तेरे तो क्या ही कहूँ मैं, तो है विश्व का सबसे चूतिया लोंडा। तीसरी बात आती है कम्युनिटी सपोर्ट की। यार आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग। जहां तक रही बात हमारी कम्युनिटी की, तो हम लोग यूनिटी में रहते हैं हमेशा। तो मैं आज ये बातें कर रहा हूँ अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके। देख लो भाई इनकी यूनिटी को भी। इतना प्यार कहाँ देखने को मिलता है आजकल। अगर तुमने कोई कंटेंट बना दिया, महीने में आप 3 कंटेंट बनाते हो वैसे भी, और उसमें भी तुम लोग आपस में लड़ लेते हो, क्या बात है यार। सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। बाबा आप इस चूतिया को छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ। आपको भी पता है यूट्यूब अपनी जगह पर है और टिकटॉक अपनी जगह पर है, और अगर यूट्यूब पर आपको लॉन्ग टाइम तक गेम खेलनी है तो आपको अपना कंटेंट ओरिजिनल रखना पड़ेगा, और अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है तो आप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड टिकटॉक पर क्या है, लाइक लिपसिंग्स, डायलॉग्स फ्रॉम मूवीज, एक तरह से उसको मुजरा ही बोल लो। इस बंदे का कहना है कि यूट्यूब के क्रिएटर्स एक दूसरे का कंटेंट कॉपी करते हैं, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यूट्यूब क्रिएटर्स के टॉपिक भले ही सेम होते हों, लेकिन जो उसके अंदर का कंटेंट होता है, उसकी स्टोरी होती है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। और टिकटॉक की बात करें, अगर टिकटॉक पर एक भी वीडियो वायरल हो जाए तो सभी बंदे सेम ही वीडियो बनाते हैं, सेम एक्सप्रेशन, सेम मूव्स, एक एक चीज इन लोगों की सेम होती है। तो असली में तो टिकटॉकर्स एक दूसरे को कॉपी करते हैं। तो मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। कुछ लोग होते हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, मैं भी मानता हूँ ये बात। और जैसे कि फिलहाल मेरे को लगा कि आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है, क्योंकि आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो, और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो। तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इंटू 100 हो गया। चल बोझड़ी के। तो अगर भाई हम क्रिंज कंटेंट की बात करें तो वो आपको टिकटॉक और यूट्यूब दोनों पर ही देखने को मिल जाएगा, और अगर ज्यादा क्रिंज कंटेंट की बात करें तो ऑब्वियसली वो आपको टिकटॉक पर ही देखने को मिलेगा। क्रिंज 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 क्रिंज। तो बताओ 1857 में क्या हुआ था? मैं तो पैदा ही नहीं हुई थी। ये वीडियो देखी तुमने?
भाई इस लड़की के मैंने अभी टिकटॉक पर जाकर देखा, इसके 18 मिलियन फॉलोवर्स हैं और इसका कंटेंट देखे तो एकदम टट्टी। 18 मिलियन फॉलोवर्स का क्या फायदा जो उसको फॉलो करते हैं, क्या ही देखते हैं इसकी वीडियोज में वो ऐसा। और अगर पॉपुलर क्रिएटर टिकटॉक के अगर क्रिंज कंटेंट बनाएंगे तो हम नॉर्मल बंदों से, तो नॉर्मल क्रिएटर से तो हम क्या ही उम्मीद रखें, जिन्होंने भी स्टार्ट किया है वो क्या सीखेंगे इन लोगों से जो पॉपुलर क्रिएटर हैं। Her choice. It's her choice. तो भाई कुछ ऐसे भी टिकटॉकर्स हैं जिनका एक विजन था कि वो इस ऐप से स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे, और ऐसे कुछ टिकटॉकर्स हैं जो आज म्यूजिक वीडियोस कर रहे हैं, वेब सीरीज कर रहे हैं, और कुछ टिकटॉकर्स ने तो खुद का यूट्यूब चैनल भी बना लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है और वो आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे बंदों को भाई दिल से सपोर्ट और दिल से रिस्पेक्ट। ऐसे भी टिकटॉकर्स हैं इस बंदे के जैसे जो अपने आप को सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलते हैं और यूट्यूब और टिकटॉक वाला कम्युनिटी घोषित करते हैं। इन बंदों के लिए इतना काफी नहीं था, इस बंदे ने अपनी वीडियो में पॉइंट आउट किया बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, जैसे कैरी मिनाटी के बाद जब कैरी मिनाटी ने अपनी वीडियो में इसका रिप्लाई दिया तो इसको वो भी हजम नहीं हुआ। तो भाई तेरे लिए एक ही बात है मेरे पास, लोला ले ले। तो ये दुआ करो कि हम लोग यूट्यूब पे नहीं आए। एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब ऐसे लोग को ऐसे मारना चाहिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। अभी हाल ही में YouTube ने कैरी मिनाटी की एक वीडियो जो रिमूव कर दी, मुझे पर्सनली वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा YouTube का एक्शन। एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि सिर्फ कैरी की वीडियो डिलीट हुई है लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी कैरी ही है, तो आई सपोर्ट कैरी, और मैं आपको भी यही बोलूंगा कि कैरी को ही सपोर्ट करें। सो या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मेक श्योर आप लाइक करें और कमेंट सेक्शन में नीचे अपना वीडियो का फेवरेट पार्ट जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और लास्ट में जाते जाते आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि क्रिंज कंटेंट को ना देखें, जितना हो सके अच्छा कंटेंट देखें और अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करें।